वाले से आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर वन है नंबर सिस्टम, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इन चार टॉपिक्स को विद एग्जांपल्स: डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन ऑफ रियल नंबर्स। हम देखते हैं कि ई कैट में हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन हमारे पास यूं हो सकता है कि हमें ये बताना है कि वेदर द गिवन नंबर स्क्वेयर रूट 18 ओवर स्क्वेयर रूट 72, क्या ये एक इरैशनल नंबर है। यानी ऑप्शन में हमारे पास ए ऑप्शन हो सकता है इरैशनल नंबर, ऑप्शन बी हो जाएगा रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर, और ऑप्शन फोर है जो कि डी ऑप्शन है नन ऑफ दीस। लाइक इस तरह से एक क्वेश्चन अगर हो। अब देखिए, हमने जो बात की थी रैशनल नंबर्स के ऊपर या इरैशनल नंबर्स के ऊपर, हम बात करते हैं जो नंबर पी बाई क्यू फॉर्म में या क्वेश्चन फॉर्म में या फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, उनको हम रैशनल नंबर कहते हैं। अब अगर आप सिर्फ स्क्वेयर रूट 18 की बात करें तो वो एक इरैशनल नंबर है। उसकी रीजन क्या है, अगर हम कैलकुलेटर पे देखें 18 स्क्वेयर रूट, तो आप देख सकते हैं कि 4 के बाद डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं हमारे पास वो इन्फिनिट है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं कर रहे, खत्म नहीं हो रहे। और दूसरा क्या है कि उसमें कोई पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा है, नॉन रेकरिंग भी है, कोई रेकरेंस नहीं है, कोई रिपीटेशन नहीं है एक दो या तीन डिजिट्स के अंदर। तो इसका मतलब स्क्वेयर रूट 18 एक इरैशनल नंबर है। इस तरह से स्क्वेयर रूट 72 जो है वो भी एक इरैशनल नंबर है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम इसको सॉल्व करें तो क्या हमें ये इरैशनल नंबर ही देगा। इस चीज को स्टडी करने के लिए अगर हम स्क्वेयर रूट 18 डिवाइडेड बाय स्क्वेयर रूट 72 करें, या अब हमारे पास रूल्स क्या है, रूल्स ये है कि अगर मैं स्क्वेयर रूट 18 और 72 को इकट्ठा लिख लूं, यानी होल स्क्वेयर रूट में कर लूं, तो ये जो है वो सर्ड्स की प्रॉपर्टीज है, या हमारे पास रेडिकल साइन की ये प्रॉपर्टी है, रेडिकल्स की प्रॉपर्टी है कि हम अगर डिविजन में हो या क्वेश्चन में दो इरैशनल नंबर लिखे हो तो हम उनको इकट्ठा कर सकते हैं, या दो रेडिकल फॉर्म में नंबर लिखे हो तो हम उनको इकट्ठा कर सकते हैं। सो अगर 18 वन टाइम 18 किया जाए और 18 फोर टाइम 72 होता है, अब ये बनता है स्क्वेयर रूट 1/4। अब अगर आप स्क्वेयर रूट 1/4 का स्क्वेयर रूट ले लें तो ये बन जाएगा 1/2। अब 1/2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो सम बजाहिर तो हमें ये लग रहा था ये एक इरैशनल नंबर होगा, लेकिन हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये क्या आ गया, रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर की जैसे हमने बात की कि अगर हम रिप्रेजेंटेशन देखें इनकी डेसिमल फॉर्म के अंदर, तो डेसिमल फॉर्म के अंदर जो रैशनल नंबर्स हैं वो दरअसल टू टाइप्स के, ठीक है, एक होंगे टर्मिनेटिंग, ठीक है, और दूसरे होंगे नॉन टर्मिनेटिंग से मुराद क्या कि जिनके डेसिमल्स के बाद डिजिट्स इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं। टर्मिनेटिंग कौन से होंगे, जैसे 3.125 खत्म, या 4.217, अब इससे आगे ये नंबर मूव नहीं कर रहा, ये डेसिमल के बाद ये डिजिट आगे मूव नहीं कर रहे। जबकि नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, 3.10507 एंड आगे ये इन्फिनिटी तक मूव कर रहे। अब एक बात होता है कि तमाम टर्मिनेटिंग जो डेसिमल्स है, तमाम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो है वो क्या है, वो रैशनल नंबर्स है, ठीक है। अब जो नॉन टर्मिनेटिंग है उसमें कुछ रैशनल है और कुछ इरैशनल है। किस तरह से, नॉन टर्मिनेटिंग फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, वो कैटेगरीज कौन सी हैं, एक है रिपीटिंग डेसिमल्स, यानी रिपीटिंग, इनको हम रेकरिंग भी कहते हैं, रेकरिंग, और दूसरा क्या है, नॉन रिपीटिंग या नॉन रेकरिंग। क्या मुराद हुआ इससे, यानी ऐसे डेसिमल्स जिसमें जो बेशक नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन लेट से उनका एक और डिजिट जो है वो रिपीट करता जा रहा है। अगर आप देखें 0.333333 ये रिपीट करता जा रहा है, इसका मतलब है हम जनरली इसको लिखते हैं 0.3 के ऊपर बार लगा देते हैं, इसका मतलब 3 एक ऐसा डिजिट है जो कि रिपीट करता जाएगा। तो लिहाजा ये क्या हुआ, एक
रैशनल नंबर हुआ। तो इसका मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिपीटिंग डेसिमल्स हैं वो रैशनल हैं, नॉन टर्मिनेटिंग में जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स हैं, नॉन रिपीटिंग जैसे 0.31209106 7 ये और आगे डॉट डॉट, तो ये क्या है, ये है नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो ऐसे जो डेसिमल्स हैं वो हमारे पास कहलाते हैं इरेशनल नंबर्स। बाकी हमने देख लिया बाकी तमाम क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। अब जो रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं वो सिर्फ कोई एक डिजिट नहीं हो सकता, वो दो तीन चार पांच डिजिट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया डेसिमल्स के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, वो है हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। अब रियल नंबर की प्रॉपर्टीज अगर हम देखते हैं, प्रॉपर्टीज पे बात कर ले, तो प्रॉपर्टीज रियल नंबर्स की ये भी हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे हम बात करते हैं जी कि ये क्वेश्चन ये हो सकता है कि आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज, अगर 100 प्लस 0 इज इक्वल टू 100 आ रहा है तो ये जो आउटकम आ रही है ये कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करने से आउटकम आ रही है। अब हम ये बात जानते हैं कि 100 प्लस 0 इक्वल्स 100 का मतलब है कि 0 रियल नंबर में एक ऐसा नंबर है जिसको हम क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। क्या कहते हैं जी, एडिटिव आइडेंटिटी। क्यों एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी इसलिए कि इसमें कोई भी नंबर, कोई भी रियल नंबर ऐड किया जाए वो ऐड होने के बावजूद अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखता है। आइडेंटिटी क्या है 100 की, 100 ही है ऑब्वियसली, और 100 में आपने 0 ऐड भी किया फिर भी आंसर 100 ही आया, तो मीन 100 ने अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं की, तो ये क्या हुआ, एडिटिव आइडेंटिटी। अब आगे आपके पास चार ऑप्शंस होंगी जैसे मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, तो हम किस पे टिक करेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी के ऊपर। तो एडिटिव आइडेंटिटी एक प्रॉपर्टी है, यानी रियल नंबर्स के अंदर जीरो एक ऐसा नंबर है जो कि एडिटिव आइडेंटिटी के तौर पे बिहेव करता है। इसी तरह से हमारे पास जो प्रॉपर्टी जो सेकंड है वो है 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 7। अब इसमें भी वो कहता जी कि कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद हमारे पास 7 आया, तो ये भी हम जानते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 7 का मतलब है कि रियल नंबर्स में हमारे पास 1 एक ऐसा नंबर है जिसको हम कहते हैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, एम फॉर मल्टीप्लीकेटिव एंड आइडेंटिटी, मीन कि 1 एक ऐसा नंबर है जिसके साथ कोई भी रियल नंबर मल्टीप्लाई कराएं वो अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखता है, आइडेंटिटी लूज नहीं करता, इसलिए वी से कि 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। इसी तरह से हमारे पास सी ऑप्शन है, यानी सी जो एक एमसीक्यू हो सकता है वो है a माइनस a इज इक्वल टू 0। अब टेक्निकली अगर हम इसको देखते हैं तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, a प्लस इंटू माइनस, यानी जो आपके पास ecat के अंदर आएगा वो सिर्फ थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए a माइनस a लिख देंगे, लेकिन आप अंडरस्टैंडिंग के लिए a प्लस इंटू माइनस a कर लें ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जी कि हमने 1 के अंदर क्या चीज ऐड की है। 1 के अंदर हमने एडिटिव इनवर्स ऑफ 1, एडिटिव इनवर्स ऑफ a ऐड किया, यानी a के अंदर, सॉरी हम 1 कह रहे हैं, a के अंदर हमने एडिटिव इनवर्स ऑफ a ऐड किया, तो हमारे पास आंसर क्या आया, एडिटिव आइडेंटिटी, मीन के यहां पे हम लिख देंगे एडिटिव इनवर्स, यानी एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऐड करने से हमारे पास क्या आ गया, एडिटिव आइडेंटिटी आ गई। तो हमने यहां पे मेंशन कर दिया एडिटिव इनवर्स, जो भी ऑप्शंस होंगी उसमें आप एडिटिव इनवर्स पे टिक कर देंगे। इस तरह से अगर हम डी पार्ट पे चलते हैं तो माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर माइनस 7 इज इक्वल टू 1। अगेन 1 ओवर 7 के साथ हमने क्या चीज मल्टीप्लाई कराई कि हमारे पास जो आंसर है वो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी आ गया। जिस तरह एडिटिव आइडेंटिटी लाने के लिए हमने एडिटिव इनवर्स ऐड किया, इसका मतलब है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी लेके आने के लिए हमने इस नंबर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऐड किया, तो आई वुड राइट एम इनवर्स, मीन के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। इसी तरह से अगर मैं यहां से इसको रिमूव कर दूं, ठीक है, ताकि हमारे पास जो स्पेस है वो अवेलेबल रहे और हम मजीद जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। जैसे अगर मैं सिंपल सा ये 7 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय 7, ये बहुत सिंपल है, दिस इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि 7 टाइम्स 8 जो है वो इज इक्वल टू होता है 8 टाइम्स 7, तो दिस इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आप जितनी भी प्रॉपर्टीज मेंशन होंगी उसमें आप क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी पे मार्क कर देंगे कि दिस इज द प्रॉपर्टी, ठीक है। इसी तरह से
वो हमसे यूं भी पूछ सकते हैं कि ये बताया जाए कि जो सेट है यानी 0 और माइनस 1, क्या ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ये क्लोज्ड है. अब क्लोज होने का मतलब क्या है कि क्या अगर हम इस पे एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के ऑपरेशंस अप्लाई कराएं तो क्या ये हमें जो आंसर देगा वो इस सेट से बिलोंग करेगा. मीन के इस तरफ आप लिख लें 0 माइनस 1, एक तरफ हॉरिजॉन्टल लिख लें और फिर उसके बाद आप वर्टिकल फॉर्म में भी 0 और माइनस 1 लिख लें. तो 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस माइनस 1 इज माइनस 1, माइनस 1 प्लस 0 इज माइनस 1, माइनस 1 प्लस माइनस 1 इज माइनस 2. अब माइनस 2 चूंकि इसमें इससे बिलोंग नहीं करता तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये होल्ड नहीं करता. ठीक है, यानी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये क्लोज नहीं है. इसी तरह से अगर माइनस अगर मल्टीप्लीकेशन को देखा जाए, यानी यहां पे हमने एडिशन के मुताबिक देखा, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन देखें तो क्या बन जाएगा, 0 टाइम 0 इज 0, 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 अगेन 0, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 अगेन 0, जबकि माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 इज प्लस 1. तो लिहाजा प्लस 1 इसमें शामिल नहीं है, मीन के विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन भी ये क्लोज्ड नहीं है. ठीक है, इसी तरह से हमारे पास यूं भी क्वेश्चन आ सकता है ई कैट के अंदर कि हम हमें बताया जाए जी कि 7 प्लस या ए मल्टीप्लाइड बाय बी माइनस सी होता है इक्वल ए मल्टीप्लाइड बाय बी माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय सी, ये कौन सी प्रॉपर्टी. अब इसके अंदर जो ऑप्शंस अवेलेबल होंगे वो उसके अंदर थोड़ी सी टेक्निकलिटीज हैं, जैसे ए टाइम्स बी माइनस सी, मीन के ए बी माइनस ए सी. क्या मतलब हुआ कि हमने ए का जो मल्टीप्लीकेशन का इफेक्ट था वो डिस्ट्रीब्यूट कराया ओवर बी एंड ओवर सी, तो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. लेकिन अगर वो साथ इसकी टाइप भी पूछ ले, मीन के लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है या राइट डिस्ट्रीब्यूटिव है, सो उसका मेथड क्या है कि अगर जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, बिकॉज ए बी सी जो है रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर आप अगर कोई जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है अगर वो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ तो दिस इज कॉल्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. अब ओवर क्या है, ओवर एडिशन, ओवर सब्ट्रैक्शन, ओवर मल्टीप्लीकेशन, ओवर डिविजन. अब यहां पे देखें तो नेगेटिव साइन है तो मीन आ जाएगा ओवर सब्ट्रैक्शन. अब समटाइम क्या होता है कि वो सब्ट्रैक्शन का ऑप्शन ही नहीं देगा, वो ऑप्शन दे देगा आपको ओवर एडिशन का. तो बेसिकली जो सब्ट्रैक्शन है, मैंने पहले जैसे बात की बी प्लस इंटू माइनस सी लिखा जा सकता है, तो आपने वहां पर ये नहीं कहना नन ऑफ दीज, आप कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, बिकॉज एडिशन जो है सब्ट्रैक्शन इज द सेम थिंग. ठीक है, क्योंकि आप बी जैसे मैंने पहले बात की कि आप जब नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बेसिकली आप उस नंबर का नेगेटिव उसमें एड कर रहे होते हैं, तो इसलिए आप इस तरह के ऑप्शन में लिखेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन. अभी हम कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे, ये तो थी प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स. ठीक है, अभी हम कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे जो कि इक्वालिटी या इनइक्वालिटी से रिलेट करती हैं. जैसे हमसे अगर पूछा जाए जी कि जो है ए और बी अगर ये दो रियल नंबर्स हैं तो इनका आपस में कितनी तरह का रिलेशनशिप हो सकता है, तो हम ये बात जानते हैं कि ए और बी में आपस में तीन तरह का रिलेशनशिप हो सकता है, या ए बी के इक्वल हो जाएगा, या ए बी से ग्रेटर हो जाएगा, या ए बी से लेसर हो जाएगा. तो दिस इज कॉल्ड ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी. ये क्या कहलाती है, ट्राइकॉटमी, ट्राई मीन थ्री, ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी, ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी. इसी तरह से हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि इफ माइनस थ्री इज लेसर देन माइनस टू एंड दिस इंप्लाइज दैट जीरो इज लेसर देन वन, तो यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की है. अब हम इसको अगर हम थोरली स्टडी करें तो हमें ये बात समझ आती है कि माइनस थ्री में मैंने क्या चीज एड कराई या मल्टीप्लाई कराई कि मेरे पास ऑप्शन जीरो आ गया या आंसर जीरो इज लेसर देन वन आ गया. तो मुझे पता है कि अगर मैं इसमें प्लस थ्री एड करूं और इसमें भी प्लस थ्री एड करूं तो ये बन जाएगा प्लस थ्री माइनस थ्री जीरो और प्लस थ्री माइनस टू प्लस वन. ठीक है, तो जीरो इज लेस देन वन, तो लिहाजा दिस इज कॉल्ड एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी. ये क्या आएगी, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी. ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, ये आपने जरूर लिखना है कि इक्वालिटी की है या इनइक्वालिटी की है. जहां पे लेसर और ग्रेटर का साइन आएगा वहां पे इनइक्वालिटी, जहां पे इज इक्वल टू का साइन आएगा वहां पे इक्वालिटी. अब ये प्रॉपर्टी इक्वालिटी के अंदर भी एग्जिस्ट करती है. ठीक है, आप एक नंबर को ऐड करें तो वो दोनों साइड्स पे ऐड होगा. ठीक है,
इसी तरह से अभी हम कुछ मजीद एग्जाम्पल्स करते हैं और कुछ मजीद कॉन्सेप्ट्स को जेर बहस लाते हैं। जैसे हम बात करते हैं, अब मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का एक जो है वो एमसीक्यू है, वह जी इफ ए इज लेसर देन जीरो, दिस इंप्लाइज दैट माइनस ए इज ग्रेटर देन जीरो। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें अगर आप देखें तो इंटरेस्टिंग बात ये कि नेगेटिव ए इज ग्रेटर देन जीरो, हमने तो ये बात पढ़ रखी है जी नेगेटिव नंबर्स तो ग्रेटर होते हैं जीरो से, लेकिन माइनस ए इज ग्रेटर देन जीरो कैसे हो गया। अब देखिए प्रीवियस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो स्टेटमेंट गिवन होगी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है ए इज लेस देन जीरो। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या हुआ? अगर ए लेस देन जीरो है तो इसका मतलब है ए इज ए नेगेटिव नंबर, ए इज ए नेगेटिव नंबर। अगर ए नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे नेगेटिव टाइम्स ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो बेसिकली माइनस ए जो है वो एक पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पॉजिटिव नंबर ऑब्वियसली जीरो से ग्रेटर होता है। तो आपने किया क्या, हमने माइनस वन के साथ दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कराया, और ये हम जानते हैं कि जब नेगेटिव साइन से इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कराया जाए तो इनइक्वालिटी फ्लिप करती है। इनइक्वालिटी क्या करती है, फ्लिप करती है। तो यहां पे आप लिखेंगे मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। तो यही हमने जो है रिजल्ट डिड्यूस करना था, यही हमने चार ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना है। या समटाइम ये भी हो सकता है कि इफ फाइव इज ग्रेटर देन फोर, दिस इंप्लाइज दैट वन आवर फाइव इज लेस देन वन आवर फोर। हम ये बात जानते हैं कि डिनोमिनेटर में, अगर न्यूमिनेटर में वन हो तो डिनोमिनेटर में जो नंबर बड़ा होगा वो नंबर एक्चुअली स्मॉल होगा। इसका मतलब है दिस इज कॉल्ड इनइक्वालिटी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, इनइक्वालिटी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ठीक है, इसी तरह से हम ये भी बात जानते हैं कि अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास चले हम बात कर लेते हैं कि अगर इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, तो दिस इंप्लाइज दैट ऑब्वियसली ए जो होगा वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ए ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब इस तरह की प्रॉपर्टीज भी हमने आइडेंटिफाई करनी है। और इसके अलावा अभी हम बात करेंगे जो है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन ऑफ रियल नंबर्स, यानी फ्रैक्शंस के लिए क्या प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास। इनइक्वालिटी और इक्वालिटी के अंदर हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जो बहुत इजी है, जैसे कोई भी नंबर जो है वो अपने आप के इक्वल होता है, विच इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। और इसके अलावा हम बात करते हैं कि इफ ए इज इक्वल टू बी, दिस इंप्लाइज दैट बी इज ऑल्सो इक्वल टू ए, विच इज कॉल्ड सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। लेकिन हमने जो इम्पोर्टेंट थी जो कि ई कैट के लिहाज से जिनसे क्वेश्चन आएंगे या आते हैं वो हमने डिस्कस की। अभी हमारे पास लास्ट जो है वो चीज है विच इज कॉल्ड लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो बहुत ईजी हैं, लेकिन हम जस्ट उनको गो थ्रू कर लेते हैं ताकि हमें उसको अंडरस्टैंड करना आसान हो जाए। चलें जी, हम बात करते हैं यहां पे प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी ऑफ फ्रैक्शंस, मीन के इफ ए इफ फाइव लाइक ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी है। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज दैट ए जो डी होगा, ए का प्रोडक्ट डी से होगा वो बी के प्रोडक्ट सी के इक्वल होगा। यानी मैं लिखता हूं 5/4 इज इक्वल टू 10/8, तो ऑब्वियसली आप देख लें 8 multiplied by 5 is 40 एंड 4 multiplied by 10 इज अगेन 40, तो 40 equals 40। इसी तरह से हमारे पास जो जो गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन है कि अगर 5/9 एक फ्रैक्शन है तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे किसी एक नंबर के साथ, कांस्टेंट नंबर के साथ, जैसे 2 है, तो फिर भी ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएंगे, 5 times 2 और 9/2। तो गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन ये कहता है कि हमें अगर हम एक फ्रैक्शन को उसके न्यूमिरेटर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें उसके डिनोमिनेटर को भी उस नंबर से मल्टीप्लाई कराना होगा, विच इज कॉल्ड गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शंस। इसके इसी तरह से एक और प्रॉपर्टी है, बल्कि इसमें हम इसको लास्ट प्रॉपर्टी ही कहेंगे,
which is called rule of quotient of fractions. Mean ki agar a over b over c over d hai, ye kiske equal ho jayega? A times d over b times c. Chunki a over b divided by c over d jo hota hai, aap isko jab simplify karenge to aap multiplication ka sign laga ke next term ko reciprocate karenge to aap dekh sakte hain a times d into b times sorry ye kya tha b times d tha ye theek hai b times ye ho jayega c exactly b times c to yahan pe b times c aa gaya to jo hamare paas denominator mein product hai to ye kuch properties thi fraction of real number se mutalliq अब इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है यानी जो नेक्स्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं